हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय फ्रेश व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू कर दिया है, अभी मॉर्निंग के 6 o'clock हो चुके हैं। मंडे का दिन है, बच्चों का एग्जाम है तो उनको लेके अभी निकलना है। पहले वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेट मी गिव यू अ लुक। तो भैंस का नहीं पियोगे तो किसका पियोगे दूध? पैकेट वाला पियेंगे हम तो। पैकेट का दूध पियोगे? बेटा पैकेट का दूध इतना पावरफुल नहीं होता है, टेस्टी होता है, थोड़ा कम पावर ले लेंगे। नहीं तो दोनों बच्चे दूध पी रहे हैं और जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है गाइज। इनके टिफिन पैक हो गए हैं, आज इनके पराठे और ब्रेड स्लाइस बने हैं मनपसंद। बच्चों का एग्ज़ाम है तो आप सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना कि अच्छे से अपना कंसंट्रेट होकर एग्ज़ाम दें और मार्क्स लाने में कामयाब हों। पढ़ने में कामयाब तभी माना जाता है बच्चा जब मार्क्स लाने में कामयाब होता है। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। पाए वाली मैया, तुम्हारी सदा ही जय हो, हमें भी लेके चलोगी का? नहीं लेके जाएंगे आज तो मम्मी, तो हमें तो पूछती नहीं है, मम्मी देखती भी नहीं है हमारी तरफ, मम्मी को टाइम ही नहीं है ना बेसिकली। मम्मी को छोटे बच्चों की पहले टेंशन है, मैं तो बड़ा बच्चा हूँ, समझदार बच्चा हूँ मैं तो, मुझे तो टेंशन ही नहीं है। तो गाइज मुंह साफ करते ही बच्चों को लेके चल रहा हूँ और इनकी बस में बैठा के आऊंगा। कोको को हम बाद में लेके जाएंगे कि नहीं, तो कोको ने हमारा दिमाग खराब कर देना है वहाँ से। बेटा सवेरे सवेरे लड़ाई हो रही है, गलत बात, गलत बात। कोई छुट्टी नहीं है बेटा, एग्जाम है तो आप आराम से खड़े रहो, बस आने वाली है, जैसे बस आएगी आपको दिख जाएगी। कि मिकी आ गया फिर से मिलने। मिकी आ गए, मिकी बस आ गई है इनकी तो बच्चों। हाँ मिकी चलो बेटा चलो, बस आ गई है, चलो 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 बेटा चलो, बस आ गई है, बाय। हाँ बेटा, हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए मिक्की को, बताओ मिक्की को क्या चाहिए, बोलो मिक्की को क्या चाहिए। गो मिक्की गो, गो बेटा गो, गो 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 गो। और बस चली गई है गाइस इधर सक्सेसफुली, और बाय बाय बेटा। तो राधिका ने बोला है कि हम लोग अभी मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे और उसके लिए अभी हमें निकलना ज़रूरी है, चारों तरफ से ना बसें आ रही होंगी। कोको आराम से बेटा, आराम से खड़े रहो एकदम, अब लेके चल रहा हूँ तो तुम इतने आफत तो मत कूटो बेटा, ठीक है? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. तो गाइस 7 बज चुके हैं, कोको को अभी जस्ट घुमा के लाया हूँ और आज भी वही पुराना हाल हुआ है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है बाहर और जब रनिंग कराता है ना, रेस कराता है तो रेस लगाता है मेरे साथ, तो स्वेटी स्वेटी पूरा हो जाना होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, तो इनफैक्ट अच्छा है। और राधिका मुझसे बोल रही थी कि मैं आपके साथ चलूँगी और मेरे साथ गई नहीं, रस्ते में मुझे मिली चाबी उसी ने दी घर की, तो बोल रही मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मैंने काफ़ी टाइम पहले बुलाया था उसका इंतज़ार करके, एक्स्ट्रा रन लगा के आए हैं। और देखो मेरे जो डॉगी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका शायद पानी नहीं रखा हुआ है जो मुझे फील हो रहा है, मैं पानी रख देता हूँ। फिलहाल पानी पी रहे हैं बाबूजी, पानी पीने के लिए तो मतलब बहुत देर से वेट कर रहा था, पहले तो मम्मी को ढूंढा घर में, फिलहाल पानी दे देता हूँ। मॉर्निंग में काम ख़त्म होते चले जाते हैं ना तो फिर शाम तक सोचना नहीं पड़ता, कई बार क्या होता है कि मैं दिमाग से स्किप कर जाए तो कोई पानी तो देगा नहीं गाइस, और इसका नतीजा ये है कि हम 5-7 दिन को तो बाहर भी चले गए थे लेकिन ये सूख ही गया था, हमारे जाने से पहले सूख गया था, तो इसका तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। फिलहाल पानी दे दिया है अच्छे से और अभी राधिका तो दिख नहीं रही है नीचे कहीं, पता नहीं कहाँ घूम रही है, शायद दूसरी साइड से दिख जाए, यहाँ नहीं दिख रही है गाइस। ये जा रही, ये वॉक कर रही है, ये देख वॉक कर रही है नीचे। कितने राउंड हो गए, कितने राउंड हुए, अभी एक ही राउंड हुआ है, चलो कर लो आप, करके आना, ठीक है करके आना, कोई इशू नहीं है, जाओ। तो गाइस 9:30 बज चुके हैं और अभी जो है ब्रेकफास्ट बन रहा है, इधर देखिए राधिका बना रही है आज पराठे, प्लेन पराठे बना रही हो क्या, आलू के, आलू के पराठे बनाए जा रहे हैं गाइस। अच्छा अच्छा ठीक है, तो देखो इतने सारे यम्मी पराठे बन चुके हैं और राधिका जब बनाती है ना पराठे तो थोड़े बड़े बनाती है और मुझे बहुत पसंद है, और मैंने भी और राधिका ने भी थोड़ी थोड़ी जो आज घर में साफ़ सफाई पे ध्यान दिया है
इन्होंने भी अपनी अलमीरा सेट की है, मैंने भी की है, और तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। फिलहाल तो बना रही है। और हाँ, मेन तो बात बताने भूल गया मैं, गाइस आज काम वाली नहीं आई है और काम वाली आज छुट्टी पे है, हाँ तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल खाना वाना तो बन चुका है, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मैं तो ऑफिस पे बैठ जाऊंगा। तो गाइस अभी 1:30 बज चुका है और बच्चों को लेने जा रहा हूँ, नीचे बच्चे आ गए होंगे अपने बस स्टैंड पे, वहीं पे लेके जाऊंगा उनको। तो दोपहर ही तो बहुत ज्यादा है, बारिश नहीं हो रही है दिल्ली एनसीआर में, बहुत बुरा हाल है, प्लीज बादल भेजो यहाँ पे, हम लोग बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्वेटी सीजन हो रखा है पूरा का पूरा। खैर फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ बच्चों को लेने। अरे गाइस बारिश हो गई, ये तो बारिश आ गई कहते ही, मैं तो कह रहा था बारिश नहीं आई और बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। देखो गाइस आपसे बोल ही रहा था और बारिश शुरू भी हो गई। आप लोगों की तो बहुत जल्दी सुन लेते हो, पहले ही बोल देता मैं आप लोगों को। तो गाइस यहाँ तक पहुँचते बारिश हो गई एकदम बंद, लेकिन बच्चों की ना बस आ गई है फिलहाल, और बस जब आई है तो बारिश की बूंदें बिल्कुल सूख चुकी हैं। देखो यहाँ रोड पे बिल्कुल बूंदें नहीं है, पहले जब मैंने दिखाई थी तो बूंदाबांदी हो रही थी, और बच्चे अभी आ रहे हैं, बहुत शोर मच रहा है, इतना ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। फिलहाल बस आते हुए तो गाइस बच्चे आ गए हैं, और बच्चों को लाने के बाद एक का तो यहाँ नाटक शुरू हो गया है, ये देखो पूरा मंकी बन के जाएगा आज। बेटा वैसे भी चल सकते हो आप घर, या इन्हीं के थ्रू उतर उतर के जाना है? चला जा उधर उधर को उतर, मुझे आता नहीं, मैंने एक बार भी नहीं गिरा। चढ़ चढ़ के जाना, गिरा तो आपकी गलती आएगी। हाँ आगे हाथ रखना, ज्यादा डर लग रहा है। दोनों हाथ पीच के डंडे पे रख, अगले वाले पे भाई नहीं ना, मैं रखो तो सही। हाँ नीचे उतर जा, चल पीछे को हट के। हाँ तुम्हें सब आता है, जल्दी करो जल्दी करो, लेट हो रहे। लेटा के उतर जाओ। हाँ उतर जाओ, गिरूंगा तो नहीं? गिरेगा पक्का। हाँ बैग भी पकड़ा रखा है, तुम्हें पकड़ू अब। हाँ हो गया, चलो 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 बेटा अब चलो। हाँ बहुत पता, अभी बूंदा बांदी हुई थी थोड़ी थोड़ी, मुझे लगा बारिश तेज आएगी। कहाँ चल दिया? लो फ्लावर तोड़ के लाया, एक दो फ्लावर लगे रहने थे बाग में, गार्डन में। गाइस देखो आसमान थोड़ा सा ना अंधेरे वाला हो गया है और बारिश आ सकती है, हमारा मंदिर बंद है फिलहाल, आप देख सकते हैं। कैमरा बंद करो, एक बार करो। ये कैमरा की आप कवर करो और ऐसे लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। बेटा दोनों बच्चे ना कॉटन के कपड़े पहनो, ये उतार दो जल्दी से, तो तुम्हें जो स्वेटिंग फील हो रहा है ना, टी शर्ट डाल लो, इतनी सारी टी शर्ट है, कोई भी कॉटन की टी शर्ट पहन लो, और वत्सल तुम भी बेटा ठीक है। और ये बैग कहाँ रखना है तुम्हारा? तो गाइस झनम झना झन झना झन बारिश होते हुए, यार बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है गाइस, बहुत अच्छा मौसम हो गया। और संस्कृति फिलहाल गई हुई है ट्यूशन, और वो साइड वाली सोसाइटी में ही जाती है, वहाँ पे भी बारिश ही हो रही होगी डेफिनेटली। तो फिलहाल बारिश ने तो जमा के एकदम, मतलब कई दिन से हो रही थी उम्मीदें कि बारिश होगी, आसमान काला है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बारिश ना कुछ देर चलेगी और बहुत तेज़ से चलेगी, उल्टी सीधी जो बूंदें हैं वो उल्टी सीधी चल रही हैं गाइस, चारों तरफ को बूंदों का रुझान है। बहुत बढ़िया मौसम होते हुए आपको आवाज़ें आ रही होंगी, और बहुत ठंडी हवा भी चल रही है साथ में, तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया। तो गाइस इसके लिए ना तरस गए थे कई दिन से हम लोग। गाइस संस्कृति को जाना था 4 बजे, अभी देखो क्या होता है, अभी 3:30 का टाइम हो चुका है, अगर मौसम खुला रहा तो वो चली जाएगी, मुझे लगा वो चली गई है, पर अभी मैंने चेक किया तो घर में ही है, सो रही है, सवेरे जल्दी बच्चे जल्दी चले जाते हैं ना इस वजह से। तो मौसम थोड़ा सा बूंदाबांदी और तेज़ बूंदाबांदी होते हुए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूंगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल फिर मिलने वाले एक नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।